सलाम अलैकुम जी, मैं अब्दुल हकीम जिला खानावाल तहसील मियाँ चन्नू से आया हूँ जी। मैंने नेट नेट पे इनका पेज देखा हाँ था और मैंने देखा था मरीज बहुत सारे से याब हो रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी चलता हूँ, फिर मैं पूरा पाकिस्तान छान मारा, नहीं आराम आया। आप काफ़ी बेहतर है पहले से, डॉक्टर बहुत अच्छे आदमी हैं, पैसे की रियायत भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। इससे थोड़ा सा इधर आना है बस। हाँ ठीक है। दूसरे मरीजों को क्या पैगाम देंगे? हाँ दूसरे को पैगाम दें कि पैसा अपना ज़ाया ना करें, इधर आके चेक कराएं ठीक। आपको 4 मशीनें लगी हैं, कितना जी। 70 आराम है 100 में से, कितने परसेंट? ठीक परसेंट तो है ना। है, बाकी ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, आप दिल उदास तो नहीं होता? नहीं अपने तो नींद आती है, भूख अभी दाँत आ रही है नहीं। लगती है, जिंदगी हाँ अच्छी लगती है? ठीक, जिंदगी तो अच्छी लगती थी। अब तो खुदकुशी का ख्याल नहीं आता? बोल कुछ नहीं, बोल कुछ ठीक, आप दुआ दे रहे हैं, मुतमयन है इलाज से? इंशाल्लाह जी, दुआ चल, में दुआ में। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, खानेवाल से पेशेंट आए थे ये, सॉरी खानेवाल से भी आ गए अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम से आए थे, 8 साल से बीमार थे, कहते हैं पूरा पाकिस्तान छान मारा, ठीक नहीं हुए। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट का केस था। जब मेरे पास आया तो शदीद डिप्रेशन में थे, दिल उदास, रोने को दिल करना, खुशी महसूस न होना, नींद ना आना, गुस्सा करना, काम करने को दिल ना करना, फंक्शनैलिटी इम्पेयर्ड थी। एडमिट किया, 4 मशीनें लगाई, ECT। अगेन मैं कह रहा हूँ, ECT ट्रीटमेंट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर दैट स्पेसिफिक पेशेंट्स, इन खास मरीजों के लिए जो दवाइयों से ठीक नहीं होते, उनके लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। गाइडलाइंस के मुताबिक है, अमेरिकन गाइडलाइंस के मुताबिक है। सवियर डिप्रेशन का पेशेंट जो ठीक नहीं होता दवाइयों से, उन्हें आप मशीन लगाएं। मैंने यही काम किया, तो मैंने जादू नहीं किया, इतना जल्दी कैसे ठीक हो गया है? आप लोग भी यही सवाल पूछते हैं, इसलिए ठीक हुआ जो इसको पहले मशीन नहीं लगी थी। 4 मशीनें लगाई हैं ECT, अल्हम्दुलिल्लाह 80% ठीक हो गया। बाकी ये होता रहेगा, ट्रीटमेंट चलता रहेगा, दवाएं भी लेगा। अब ये फ़ायदा होगा, ये दवाइयों इस पर असर करेगी, अब इन दवाइयों से ये इसका डिप्रेशन मज़ीद कम होगा, 100% पे चला जाएगा महीने के बाद। तो इट टेक्स टाइम, टाइम लेता है। ये बीमारी आम बीमारी नहीं है, ये आसाबी कमज़ोरी है, नफसियाती बीमारी है, कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है कि मैं दवाई लिख दूं और मरीज़ ऐसे ठीक हो जाए, ऐसे नहीं होता। थोड़ा वेट करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। मरीज़ आपके सामने आए, ECT लगवा के इंटरव्यू दे रहा है, हंस भी रहा है, जो पहले दिन रो रहे होते हैं आखिरी दिन हंस रहे होते हैं, आप सारा कुछ देख दे रहे हो, और मैं बार बार क्या बताऊँ, मकसद पैगाम देना होता है। ये इलाज इतना इफेक्टिव है, इतना मरीज़ ठीक हो रहे हैं, आप में से कोई लोग जो ठीक नहीं हो रहे हैं, जिनको दवाएं असर नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है जो मैं यहाँ DG खा में कर रहा हूँ। ये नहीं देखता कितने पैसे हैं नहीं है पेशेंट्स के पास, वो खुद उन्होंने कह दिया, अभी रियायत भी की हमारे साथ। मेरे सामने मरीज़ का ठीक होना सबसे ज़्यादा प्राइम इम्पॉर्टेंट है। मरीज़ ठीक हो जाए, मरीज़ दुआ दे के जाए, बस बाकी सारी बातें इसके बाद आती है। उसका फिनेंशियल स्टेटस क्या है और बाकी चीज़ें क्या है, ये सारी बात की। नंबर 1, पेशेंट ठीक हो के जाए, दुआ दे के जाए, बस यही मेरे जहन में होता है। और यही वजह है, अल्लाह ताला मेहरबानी करते हैं, उनके फजलो करम से मरीज़ भी ठीक हो रहे हैं, आप भी रहे हैं, इलाज भी करा रहे हैं, शऊर का ये पैगाम भी जा रहा है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का। मुख्तलिफ इलाकों से, पाकिस्तान से लोग आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, ठीक हो जाते हैं थोड़े पैसों से। ये नहीं है मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं भी लूट मार मचाई हुई, हाँ वीडियो बनाता हूँ जो पेशेंट ठीक होता है ECT से। आप लोग ये ना समझें हर मरीज़ को मैं ECT लगा रहा हूँ, तो 40-50 पेशेंट के बाद एक मरीज़ पे ECT लगती है, एडमिट करते हैं, उसके बाद वो रिस्पॉन्स में मिलता है, ठीक हो जाते हैं, फिर मैं ये वीडियो बनाता हूँ। ये ना समझे अभी हर पेशेंट को मैं लगा रहा हूँ और खुदा ना खास को गलत काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरे जहन में लालच होती, मैं पहले पैसे मांगता, इतने पैसे लगेंगे, कहा है ऐसे नहीं कहा। तो ये एक पैगाम था, आप लोगों तक पहुँचाना था, आप इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों का फ़ायदा हो। अभी तक भी जो पेशेंट जिसको इलाज की ज़रूरत है, मशीनी इलाज की ज़रूरत है, वो आए अपना DG खाम में आए, अपना इलाज कराए, नंबर लिखा हुआ है साइड पे। अक्सर लोग कमेंट्स में पूछते हैं भी नंबर नंबर लिखा हुआ है, इस वीडियो के नीचे नंबर लिखा हुआ है साइड पे, वो अपॉइंटमेंट नंबर है, वहीं से आप सारा कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आप आ सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।